अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है आल फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, अपने फ़रमान में रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो इससे पहले सबसे गुजारिश है, जो न्यू फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में बहुत ही स्पैम में मैसेज कमेंट जा रहे थे और अब नहीं जा रहे। अब किसी का भी कभी कोई कमेंट नहीं स्पैम में गया, अल्लाह का शुक्र है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने अच्छा किया कि जो वीडियो को फुल वॉच करते हैं आप लोग, माशाल्लाह। तो ये अब बताती हूँ मैं, ये मसाले, गरम मसाला है, ये है लहसुन, प्याज 150 ग्राम, दो बड़ी टमाटर, सब्ज मिर्च हसब ज़रूरत, अदरक हसब ज़रूरत, दही एक प्याली और 1 kg चावल। ये मैंने अभी साफ करके रखे हैं, धोए नहीं हैं, अभी धोती हूँ, बाद में धो लूँगी। ये साथ में पानी है 1 जग, और ये है बीफ, बीफ में है यखनी वाले हड्ड, ठीक है। ये सारा कुछ मसाले हैं ये, और ये 1/2 kg प्याज है, और ये लेमन लिया, ये और अब इसको सब चीज़ें इसमें डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे। सबसे पहले पानी डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें बीफ डालूँगी, बीफ ये यखनी वाले हड्ड हैं, इनके साथ ही हम इनको बॉईल कर लेंगे सारे मसाले ऐड करके। तो धो लिया था हमने इसे, अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अब इसमें साथ में इनकी यखनी बना लेंगे, उसके बाद वो जो बीफ है बोटियाँ वो बाद में ऐड करूँगी। और ये 1 प्याली प्याज है, हसब ज़रूरत डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इसमें मैंने यखनी के लिए डाला है, तो ये सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ ऐसे ही, यानी कि पीसे नहीं हैं, ठीक है। टमाटर भी ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है। और सब्ज़ मिर्च और अदरक ये सारा कुछ ऐसे ही डाल दूँगी। ये दही, बाज़ार का दही है, मैं तो घर में बनाती हूँ इसलिए ये पतला है, घर वाला सही होता है। तो ये साथ में ये मटन है, वो बीफ के हड्ड थे, ये मटन है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी, थोड़ा ये ना एक दफ़ा मिक्स हो जाए उसके बाद ऐड करूँगी। इसे अब ढाँप देते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं, और साथ साथ ये बॉईल हो जाएगा तो साथ साथ हम दूसरा मसाला बना लेते हैं चावलों के लिए। ये चावलों के लिए यखनी बन रही है ना, वो तो ये प्याज ब्राउन करते हैं, प्याज इसके लिए अलहदा प्याज थे, 2 अदद प्याज है इसमें, ठीक है। ऑयल ऐड कर लिया हसब ज़रूरत, तो अब प्याज को ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी ताकि ना फिर चावलों का कलर अच्छा है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से हम खाना बनाते हैं, और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, बस बहुत मेहरबानी सबकी। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, ठीक है। प्याज ब्राउन हो गए, साथ साथ हम भूनते जाएंगे और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ये मैंने मटन को थोड़ा बॉईल करके तो फिर अब इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया, अब इसे ढाँप दूँगी 10 मिनट। तो इतनी देर हम ये देखते हैं कि ये यखनी तैयार हो गई हमारी, ये देखते हैं। अब हम ये हड वगैरह साइड पे कर लेंगे, और ये जो यखनी है ना ये भी मैं उसमें ही डालूँगी चावलों में,
ये मसाले हम, अगर किसी का दिल करे तो मसाले निकाल सकते हैं, वरना सब डाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मसाला ऐड करूँगी, इसे अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, ये हार्ड हमने इनके ऊपर से ये बोटियाँ वो उतार के वो सारी डाल दी हैं। ये देखिए, ये डालनी है अभी, उतार ली है, ये भी मिक्स कर लेंगे, इनको भी अच्छे से भून लेंगे, वो हार्ड जो उनकी अपनी भी निकाल लेंगे। इसे 10 मिनट भूनेंगे। पाँच मिनट इसे ढाँप दूँगी। अब ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें वो यखनी डाल दूँगी। ये 1 kg चावल थे और 2 kg इसमें पानी ऐड करूँगी। ये पानी वो यखनी का था, यखनी पुलाव है ये, बहुत ही मज़े का बनेगा। पानी को बॉईल आ गया है, चावल मैंने धो के भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, तो ये अब मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसे ढाँप दूँगी, इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती मैं, बस इस आप ही करती हूँ। ये देखें, 10 मिनट ढाल दिया था, तो उसके बाद ये देखिए चावल हमारे तैयार हो गए हैं, इसको हम डिश आउट करेंगे अभी। ये सादा पानी साथ में और डिश अप कर दिया हमने, तो साथ में रायता रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत मज़े के बने, आप लोग भी बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, हमारी हौसला अफजाई करें, लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया ऑल फ्रेंड्स का, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी बनी, कैसी लगी आप लोगों को।